हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मुझे अपनी खैरियत के बारे में कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं चित्राल वैली में, चित्राल वैली से थोड़ा पीछे कैलाश वैली में जा रहे हैं हम फेस्टिवल इंजॉय करने, आपको दिखाने चिलम जोशी का, जो मई के महीने में होता है। तो हम अभी रुके हैं, ये लवारी टनल है, ये सामने आप देख सकते हैं लवारी टनल, ये सामने हमारी गाड़ी है। ये चित्राल 80 किलोमीटर, अयून 60 किलोमीटर और द्रोश ये 37 किलोमीटर है। ठीक है, अयून जाके हम जो है ना लेफ्ट साइड पे जाएंगे, नीचे की तरफ कच्चा रोड है, कैलाश वैली की तरफ जाएंगे हम। तो वो सामने आपको टनल नज़र आ रही है, लवारी टनल है, वो ऊपर लवारी टॉप है, ये सामने बर्फ़ ही बर्फ़, ये सामने 10 किलोमीटर की टनल है। अभी हम यहाँ से गुजरेंगे, आपको दिखाते हैं, टनल का विज़िट भी करवाते हैं, लेके चलते हैं, चले आए। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, हम लेके चलते हैं आपको कैलाश वैली, वहाँ का फेस्टिवल आपको दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। तो चलें, हम लेके चलते हैं आपको। ये सामने हमारी गाड़ी है, फैमिली वो खाना पीना कर रही है। ये है जी, आप सामने देख सकते हैं, वो सामने पीछे लवारी टॉप है, ये अयोन, अयोन हम चित्राल से थोड़ा पीछे रुक जाएंगे, अयोन से हम जो है ना राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, हम टर्न लेंगे, नीचे की तरफ कच्चा रोड है, तो तकरीबन 18 किलोमीटर जो है ना कच्चा रोड है। तो कैलाश वैली का उससे बम्बूरट पहले आता है, आपको सारे कबीले का जो है ना वो जाके विज़िट करवाते हैं। ये है जी हमारी गाड़ी, और वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, उसके पीछे टनल है, वो सामने, ये सामने टनल है। ये है जी टनल का फुल व्यू, आपको अंदर भी लेके चलते हैं, इसकी सारी हिस्ट्री भी बताते हैं। अच्छा, ये टनल ज़िला चित्राल और ज़िला दीर को आपस में मिलाने वाली वाहिद टनल पहाड़ों के बीच से होती हुई पाकिस्तान की पहली बड़ी लॉन्गेस्ट टनल, जिसका व्यू आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। ये दो टनल हैं और एक की लंबाई तकरीबन 8.5 किलोमीटर है और दूसरी तकरीबन 2 किलोमीटर है, टोटल 10.5 किलोमीटर बनता है ये। और इन दोनों टनल्स को 2008 में शुरू किया गया और 2018 तक इनको मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया गया। अच्छा जी, अभी हम लोअर चित्राल में पहुंच चुके हैं, अयून वैली के पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है, और तकरीबन कह लें कि 60 किलोमीटर लवारी टनल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इससे आगे 18 किलोमीटर बुमरेट, जो कैलाश वैली का मेन इलाका है, वहाँ पे जाएंगे। और ये देखें, इनके रास्तों का फुल आपको व्यू करवाते हैं, किस तरह का रास्ता है, बहुत ही डेंजरस किस्म का कारपेट रोड है। बहुत ही खूबसूरत और दिल फ्रेब वादियों के दरमियान ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, खूबसूरत आबशार, बहुत ही दिल फ्रेब मंजर, और रास्ते भी काफ़ी डेंजरस किस्म के कारपेट रोड हैं। और कोशिश करेंगे यहाँ पे आप 4x4 ही लाएं तो बेहतर है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी आ सकती है, लेकिन कोशिश करें, नीचे पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें, लोकल के साथ ऊपर आएँ, 300 रुपया पर हेड वो चार्ज करेंगे, तो कोशिश करें उनके साथ आप ये कैलाश वैली में आएँ। अयून से लेके बुमरेट तक जो है ना रोड की कंडीशन 50% काफ़ी बेहतर इन्होंने की है, और कह लें कि 50% जो है ना वो बहुत ही हस्ता हालत में है, इस कदर गंदा रोड है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता, पथरीला रोड है, पत्थर हैं पड़े हुए, और गाड़ी आपके नीचे से लग भी सकती है, तो एहतियात कीजिए, गाड़ी अपनी लेके आए, ज़रूर लेके आए, अगर आप एहतियात करेंगे तो गाड़ी अच्छे से ऊपर आ सकती है। अच्छा जी, ये हम कैलाश वैली पहुंच चुके हैं, अभी इस वक्त मौजूद हैं हम बुमरेट में, ये कैलाश वैली का ही मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इससे आगे ब्रोन है, उससे आगे फिर करकाल है, तो इससे पीछे जो आज फेस्टिवल हो रहा है, आज 14 मई 2024 है, तो आज का जो फेस्टिवल है 2 दिन का इधर हो रहा है रणबूर में। तो इधर जो है ना कैलाश वैली में आज फेस्टिवल नहीं हो रहा, कल से शुरू होगा, 2 दिन चलेगा। तो अभी ये हम मौजूद हैं कैलाश वैली बुमरेट में, मेन पॉइंट जो इधर का मेन मशहूर इलाका है, जो कबीला है मशहूर इधर का, यहाँ पे मौजूद है, ये हमारी गाड़ी है।
तो लेकिन ये है कि कोशिश करें गाड़ी आपकी जो है ना वो नीचे खड़ी करके पार्किंग में और फिर ऊपर आए, ताकि जो है ना आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहे, आपकी जान भी सेफ़ रहे। तो इंशाल्लाह आप जो है ना बहुत इंजॉय करेंगे कैलाश वैली। और ये है जी बुमरेट में कलाशियों के घर, जो के लकड़ी से बने होते हैं, मुकम्मल जो है ना इन पे लकड़ी का काम हुआ होता है। और ये सारी अनीश वैली है, और ये वो घर है जिधर हम स्टे कर रहे हैं। ज़ार मोहम्मद इनका नाम है जिनके घर पे हम स्टे कर रहे हैं। इनका घर आपको अंदर से दिखाते हैं, सारा व्यू करवाते हैं, और घर के दूसरी साइड से भी आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग, ये है जी बमरेट का मेन बाज़ार। ये रोड है, रोड थोड़ा तंग ही है, दो गाड़ियां बहुत मुश्किल से गुजरती हैं। आज इधर बमरेट में कैलाश वैली में फेस्टिवल नहीं होगा, कल से शुरू होगा 15 मई को, तो 16 मई तक चलेगा। यहाँ पे आप ला सकते हैं हर किस्म की गाड़ी, लेकिन रोड बहुत गंदा तरीन और डेंजरस रोड है, तो एहतियात करें। नीचे गाड़ी पार्किंग में, वहाँ से लोकल की गाड़ी लें, 300 रुपये पर हेड वो चार्ज करते हैं, या फिर पूरी गाड़ी के लिए वो कहते हैं कि रेंट कर लो पे, तो गाड़ी करवा के तो ऊपर आ जाएं। तो ये हाइट काफ़ी है, ऊपर आपकी गाड़ी नीचे से लग सकती है, इतना ध्यान रखें। तो रोड बहुत गंदा है। और इसी तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।